हुआ कि भगवान ने आपका नाम ले रहा था, नाम स्मरण करा था, और इस नाम स्मरण में कैसे किसी का प्राण जा सकते हैं? भगवान भगवान ये नहीं हो सकता। और उस मक्खी को मैं देख रहा था और मैंने कहा, भगवान आप हमेशा कहा है कि शरीर अलग है लेकिन एक ही प्राण है, साई का प्राण है, तो अगर इस मक्खी में मैं हूं तो मुझे इसका एहसास कराओ। उसी क्षण मैंने देखा कि मैं मक्खी के शरीर में हूं और मैं देख रहा हूं एक लड़के को जो कि रो रहा है। मैं मक्खी की आंखों से देख रहा हूं कि लड़के को जो रो रहा है वो मैं ही था। और मैंने कहा, मैं तो मरा नहीं हूं, मुझे प्राण है और मैं उड़ने वाला हूं। और जैसे ये मैंने कहा, मक्खी उड़ गई। मक्खी उड़ गई, मेरे आंखों से आंसू निकल रहे थे और मैंने सोचा किसने देखा नहीं है, लेकिन मेरे एक प्रोफेसर ने ही देख लिया और वो मुझे बोलते, ए, क्या किया तूने, क्या किया? सर कुछ नहीं था, मक्खी था, मक्खी उड़ गई। नहीं, तूने मक्खी को प्राण दिए हैं। तो वो समझ गए, कुछ बोले नहीं। उसके बाद भगवान आए, भगवान आके ठीक मेरे सामने खड़े हो गए और भजन चल रहे थे। और भगवान जो भजन चल रहा था वो था, ओ साई मेरे प्राण सखा भगवान, और भगवान झूल रहे थे। एक मक्खी आके गई और भगवान उसको ऐसे किया, भगवान ने ऐसे किया। तो ये दिखाना जरूरी नहीं था भगवान को कि ये मेरी महानता नहीं है, किसी और महानता नहीं कि मैं मक्खी में प्राण डाल सकता हूं। ये डेमो था, जैसे हम कुछ खरीदते हैं, टीवी खरीदते हैं कि हम फ्रिज देखते हैं, उसका डेमो देखते हैं कि ये वॉशिंग मशीन कैसे चलती है। तो भगवान ने कहा, तुमको मैंने बताया कि तुम भगवान हो, तुम मेरी बात मानो, फिर मैं जो कर सकूं तुम वो कर पाओगे, जो मैं कर सकता हूं तुम वो कर पाओगे, डू व्हाट आई से। तो इसके बाद मेरे को लगा कि हाँ, मैं सही ट्रैक पे हूं। और साधना और जोरों से शुरू हो गया। साधना क्या है, व्हाट इज साधना? जस्ट ये कोई टीवी प्रोग्राम नहीं है कि मैं बोलूंगा आप सुनेंगे, इस टू वे ट्रैफिक। साधना क्या है? चित्त शुद्धि। मैं भजन किया, मैं नगर संकीर्तन में गया, मैं जप किया, मैं ध्यान किया, मैंने सेवा किया, लेकिन सबका रिजल्ट क्या है? चित्त शुद्धि। भगवान ने कहा 1961 में दशहरे के बाद भगवान डिस्कोर्स में कहा कि आज मैं तुमको एक सुंदर से गिफ्ट दे रहा हूं, और वो गिफ्ट है कि सत्य साई संगठन आज तैयार हुआ है और आप सब इस संगठन में भाग ले सकते हो, इस संगठन में मिलके सेवा कर सकते हो। तो भगवान ने कहा, जो भी इस सत्य साई सेवा संगठन में भाग लेगा और निस्वार्थ सेवा करेगा, मैं वचन देता हूं कि उनको, उनके बच्चों को, उनके पोते पोतियों को जन्म मरण का जो ये कीड़ा चल रहा है उससे मैं उनको निकालूंगा। एक छोटा आश्वासन नहीं है, जस्ट क्या कहा भगवान, तुम मेरे एक बालू का क्लास लो, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूं तुम्हारे बच्चों का, तुम्हारे पोतों पोतियों का, सबका ध्यान मैं रखूंगा, इस उनको जो चाहिए कपड़ा लता मकान मैं दूंगा, इस शरीर के जाने के बाद भी उनका ख्याल मैं रखूंगा। एंड देन भगवान ने एक क्लॉज डाला कि लेकिन ये परीक्षा कठिन है, इतना सहज नहीं है, और मैं देखूंगा कि तुम लोग अपना अंतिम सांस तक सेवा कर पा रहे हो या नहीं। डॉक्टर फणी बंदर, हम सब जानते हैं डॉक्टर फणी बंदर को, उन्होंने एक बार भगवान से पूछा कि भगवान
इतना बड़ा इतना विशाल का ये संगठन है, इस संगठन का आपके मिशन में आपके कार्य में महत्व क्या है, क्या काम है? और भगवान ने कहा कुछ तो नहीं। भगवान इस संगठन महत्व क्या है? कुछ भी नहीं। तो आपने संगठन बनाया क्यों है? क्यों बनाया इतना बड़ा संगठन? तो भगवान ने कहा तुम्हारा चित्त शुद्धि के लिए, तुम्हारा परिवर्तन के लिए, तुम्हारे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मैंने संगठन बनाया है। अब सोचिए अगर जो मैंने आपसे अभी बात की, अभी मैं कहीं और जाके बात बोलूं कि मक्खी आया, मक्खी प्राण नहीं थे, मैंने भगवान से प्रार्थना की और मक्खी प्राण आ गए, तो मुझे क्या करेंगे वो? दौड़ाएंगे। लेकिन आपके बीचों बीच मुझे कुछ हिचकिचाहट नहीं होती है, ये मेरा ही परिवार है, मैं बोल सकता हूं। कैसे बोल सकता हूं? क्योंकि परिवार भगवान ने दिया है। मैं कहीं और नहीं बोल सकता। इस ऑर्गेनाइजेशन में कहीं भी, इंडिया में हो, श्रीलंका में हो, सिंगापुर में, मैं खड़ा के बोल सकता हूं। इज दिस नॉट ए गिफ्ट? अगर संगठन है तो हम कहां जाते? घूमते। मन में जो भगवान के लिए प्रेम है, प्रार्थना, किसके अपने व्यथा में किससे मैं शेयर करूं? भगवान ने दिया है, ये पुरुष सन, ये लो, यही तुम्हारा परिवार है, इसके साथ परिवार में शेयर करो। त्रिवेणी वृंदावन में आप जानते हैं भगवान बहुत ही नॉर्मल रहते हैं, बच्चों से मजाक करते हैं। तो हम लोग सब बैठे थे ऐसे बाबा के बीच में, और एक स्टेट प्रेसिडेंट भगवान के सम्मुख में आए और स्वामी ने पूछा एनी समाचारम। स्वामी थोड़ा प्रॉब्लम है और संगठन में कुछ मतभेद हो रहे हैं, तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप हमें इसका जो भी रास्ता है उसका बताएं, इसका पाथ बताएं। तो भगवान ने कहा एक मेरे टीचर्स को, मैं बताऊंगा पहले इसको बोलने दो। तो उन्होंने कहा कि तुम शेयर करो। तो उन्होंने एक मेरे प्रोफेसर ने एक बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया था, जो कि मैंने जीवन भर अभी तक किसी भी क्षण मुझे कुछ याद है तो मैं उसको याद करता हूं। और मैं ये जरूर जाने कि आपको भी बहुत हेल्प करेगा। तो उन्होंने कहा जब संसार बन रहे थे और सब आत्माएं आनंद से थे, किसी को दुख नहीं था, किसी को किसी पर कष्ट नहीं था, सब आनंद में थे, तब एक छोटी आत्मा भगवान के पास आती है, बोलती भगवान मुझे ना आनंद उपभोग करना है। तो भगवान का आत्मा आनंद तो ले रहे हो कि नहीं? ये आनंद नहीं, क्षमा करके, किसी को क्षमा करके जो आनंद मिलता ना मुझे वो एहसास करना है। तो भगवान ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो यहां तुम्हें कोई चोट नहीं पहुंचाएगा, अगर तुम्हें चोट नहीं पहुंचे तुम क्षमा कैसे करोगे? तब एक और छोटी सी आत्मा आती है, वो बोलती है कि अच्छा तुमको आनंद उपभोग करना ना क्षमा का, ये काम करते हैं, चलो हम दोनों पृथ्वी पर जन्म लेते हैं, हम दोनों पृथ्वी पर जन्म लेंगे और मैं तुम्हारा जीवन को नर्क बना दूंगी, तुम मेरी बहू बनो, मैं तुम्हारी सास बनूंगी, या तुम मेरे एम्प्लॉय बनो, मैं तुम्हारी बॉस बनूंगी, तुम्हारे जीवन को मैं नर्क कर दूंगी, तब तुम मुझे क्षमा करके आनंद का उपभोग करना, एग्रीमेंट हो गया। तब ये छोटी पहली आत्मा जो थी, अरे तो बहुत बढ़िया आइडिया है, इतना सुंदर आइडिया है, लेकिन तुम्हें क्या मिलेगा? मुझे तो आनंद मिलेगा लेकिन तुम्हें क्या मिलेगा? तो वो दूसरी आत्मा बोलती है कि बस इतना याद रखना कि जब मैं तुम्हें कष्ट दे रही हूं ना कि मैं तुम्हारे लिए जन्मी हूं, मैं तुम्हें आनंद देने के लिए जन्मा हुआ, मैं तुम्हें मारूंगा, मैं तुम्हारे नाम में इधर से उधर बोलूंगा, और तुम क्या बोलना? स्वामी इसको क्षमा कर दो, और वो क्षमा का जो आनंद आएगा ना तुम उसको भोग करना। हम सब ये एग्रीमेंट बना के आए हैं सबके साथ, हमारे पापा के साथ, मम्मी के साथ, भाई बहन, पत्नी, बच्चे, पड़ोसी, सबके साथ एग्रीमेंट बना के आए हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? एग्रीमेंट को भूल गए।
एग्रीमेंट को भूल गए हैं। तब गुस्सा आता है, तब रोष आता है। तो भगवान ने कहा कि सदस्य संगठन में जो है ना, जो कोई भी आए हैं सदस्य ऐसे नहीं बने, मैं उनको बुला के लाया हूं, चूज किया हूं, क्योंकि तुम सबका एग्रीमेंट था अपने साथ। तो अभी आनंद उपभोग करो, क्षमा करो, आनंद उपभोग करो। कितना सुंदर, कितना सहज है। यहाँ पे कोई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है? यहाँ से डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सर, कैन आई इनवाइट यू? कोई यूथ और यूथ प्रेसिडेंट है? कोई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, यूथ प्रेसिडेंट, यूथ कौन है? यूथ प्रेसिडेंट, हाँ आ जाइए, आ जाइए। अच्छा, आपका नाम सर? सुरेश, शशि। शशि भैया मेरे पास आते हैं, मेरे पास नहीं, रमेश सावंत अंकल के पास जाते हैं और बोलते हैं, रमेश अंकल, सुरेश भैया जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट हैं, लेकिन मैं जो भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता हूँ वो कभी आते नहीं है, ना ही तो केवल उन्होंने कभी मुझे कुछ प्रश्न दिए कि शशि गुड वर्क, गुड वर्क, अच्छा काम किया, कभी कुछ नहीं किया। अगर मैं भजन में ऑर्गेनाइज करता हूँ वो आते नहीं है, अगर मैं कुछ गांव में ग्राम में सेवा करता हूँ तो आते नहीं है, वो मुझे पसंद ही नहीं करते हैं, और इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ। और शशि ये सोच सोच के कि इस ऑर्गेनाइजेशन में उनके काम को कोई महत्व नहीं, कांशा नहीं दिया जा रहा है, कोई उनको पूछता नहीं है, मन ही मन मंथन चल रहा है। आप रिलेट कर सकते हैं? ठीक है, तो शशि भैया आके सुरेश भैया को ये कथा, ये बात बोल दी। ठीक है, बोल दी। तब सुरेश भैया उनको बोलते हैं, शशि जानते हो तुम कि मैं क्यों नहीं आता? क्योंकि मुझे मालूम है कि अगर तुम हो मुझे आने की जरूरत नहीं है, सब कुछ परफेक्ट चलेगा, सब कुछ परफेक्ट है, इसीलिए मुझे आने की जरूरत नहीं है। लेकिन बाकी जो है ना मुझे जानना पड़ता है, अच्छा ये किया कि नहीं, वो किया कि नहीं, लेकिन जब तुम हो मुझे कुछ किसी प्रकार चिंता नहीं है। शशि आपको कैसे लगेगा अभी? अच्छा नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, मुझे उनकी जरूरत है। लेकिन शशि के मन में जो था व्यथा थी कि मुझे कोई पसंद नहीं करता है, मेरे की बात को कुछ इंपोर्टेंस नहीं दे, वो चला जाएगा। अभी शशि क्या है? चिंता मुक्त है कि नहीं? आपको लगता है कि हाँ सुरेश भैया को मेरे में कॉन्फिडेंस है, तो आपको एक और जोश आता है कुछ काम करने में, आता है कि नहीं? अभी नेक्स्ट टाइम सुरेश भैया नहीं आएंगे तो आपको बुरा लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि आपको लगता है कि सुरेश भैया को तो ही इज ओके, ठीक है ना? अब शशि भैया चले जाइए, ठीक है? अब सुरेश भैया हैं, सुरेश भैया जाके रमेश अंकल को बोलते हैं कि सर किसको दे दिया मुझे, इसको ना ए आता ना बी आता है। अब नेक्स्ट इलेक्शन कब होगा, नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट यूथ प्रेसिडेंट का, तब किसी अच्छे को देना, इसको मत डालना प्लीज, ये मेरा इतना प्रॉब्लम्स कर रहा है। आपने बोला किसको? रमेश सावंत अंकल को। शशि आपने ये बात सुना नहीं है कुछ, हाँ आपको क्या मालूम है जो उन्होंने कहा है कि तुम्हें तो कॉन्फिडेंस है, अब अभी कैसा लग रहा है आपको? अभी कैसा लग रहा है? थैंक यू। बेचारा शशि भैया जानते नहीं कि सुरेश भैया के मन में क्या चल रहा है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जितनी कहानियां हमारे मन में चल रही है ये सब हमने क्रिएट किया है, ये रियलिटी में है नहीं। रियलिटी हाउ डू यू से? हकीकत में है नहीं। हकीकत में है क्या? हकीकत में नहीं है, लेकिन मेरे लिए हकीकत बन गया है। और इस व्यथा में बेचारा शशि भाई सेवा कर रहा है कि मुझे कोई पसंद नहीं करता है, मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता है, मैं कैसे करूंगा। लेकिन शशि भैया को यह जानना जरूरी है कि इट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि सुरेश भैया क्या सोचते हैं, क्योंकि ये सब ख्याली पला किसके दिमाग में है? मेरे दिमाग में। अभी मैं जाके अनुप अंकल को सायरम बोला, अनुप अंकल किसी और बात करे, अनुप अंकल सायरम नहीं बोला, इमीडिएटली क्या होता है?
यार मैंने सायरम बोला, अंकल ने देखा तक नहीं। ये हमारी रोज जिंदगी में चल रहा है, हमारे सबके साथ एक ड्रामा स्क्रिप्ट दिया गया है, यू नो स्क्रिप्ट दिया है कि मुझे कोई पसंद नहीं करता है, मेरे पास ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए रिसोर्स नहीं है, पैसे नहीं है, फंड्स नहीं है, लोग नहीं आते हैं, और हम सब इस स्क्रिप्ट को रोज पढ़ते हैं, रोज पढ़ते हैं। और ये स्क्रिप्ट जो है ना, ये जो ये इतना महत्वपूर्ण है हमारे रोल के लिए कि हम उसको छुपा के रखते हैं। तो अगर भगवान भी आके बोलते हैं कि नहीं तुम भगवान हो, नहीं भगवान मैं तो छोटा सा आदमी हूं यवतमाल से, मैं कैसे भगवान हो सकता हूं। एक शक्तिशाली जीवन चाहिए आप सबको, पावरफुल लाइफ, यस और नो, पावरफुल लाइफ। हम सब रिमोट कंट्रोल में जीते हैं। मुझे मालूम है कि मुकेश भाई को क्या पसंद है, तो मैं मुकेश भाई को वही बोलता हूं, और मुकेश भाई क्या सोचते हैं, अरे वाह विवेक अच्छा लड़का है। मुझे मालूम है कि मुकेश भाई किससे चिढ़ते हैं, तो मुझे मुकेश भाई को चिढ़ाने का मन किया,